हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ब्लॉग वीडियो, टॉप स्टॉक, सक्सेस स्टोरीज और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता है। दोस्तों, आज का दिन रियली बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ भी शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो एक बार मैं बोलूंगा हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, हम लोग लाइफ में बहुत कुछ खो देते हैं और बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने इस बार आपके हाथ नहीं लगी सफलता तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब आपके पास एक न्यू टास्क है। हमें एक बार फिर से मौका मिला है खुद को साबित करने का। मैं समझता हूं अगर हमें ये पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो लाइफ का मजा होगा ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा उस लाइफ में। और लाइफ में अगर रिस्क ना हो, स्ट्रगल ना हो तो उस लाइफ को मीनिंगलेस बोलना ठीक रहेगा, जहां तक मुझे आइडिया है। तो प्लीज आप लोग अपने आप को मोटिवेट करो और खुद को एक बार फिर से लगा दो एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए जोश के साथ। और हम उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे। मींस आप मुझे सहयोग देना और मैं आपको सहयोग दूंगा। दोस्तों, एक अच्छी सी स्माइल लाओ और चलिए आज इस नए मुहिम को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं बीएचयू पाठशाला का न्यू सेशन के बारे में। 2021 में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं बीएचयू एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। बीएचयू के जो इंपॉर्टेंट कोर्स है मैं आपको बता दूं, जैसे बीए आर्ट सोशल साइंसेस, बीए एलएलबी, बीएड, एमए कॉमन पेपर, बीएसई में जितने भी आते हैं मैथ, एग्रीकल्चर और बायो और बीकॉम, ये सभी कोर्स हमारे यहाँ अभी कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन पे बात करूंगा सबसे पहले, लेकिन मेरे यहाँ किस तरीके से आपको क्लासेज मिलेंगे इसको भी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो बीएचयू पाठशाला एक सिंगल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू के छात्रों द्वारा संचालित होता है और ये पहली और अभी तक की सबसे पहली ऐसी कोचिंग है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही काम करती है। और आप लोगों को अगर ऑनलाइन में कोई भी असुविधा होती है तो ऑफलाइन में आ सकते हो, ऑफलाइन में कोई भी असुविधा होती है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। इसके बावजूद हमारे यहाँ बुक पोस्ट का भी माध्यम है। मींस आप देखते होंगे मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन का काफी ज्यादा रुतबा है। मैं समझता हूं ये जो पब्लिशर होते हैं इनकी बुक्स मार्केट में देखोगे आप कई सारे, मैं आपको नाम गिना सकता हूं। आप बुक खरीदोगे वही डेटा उसी तरीके से उसमें फॉर्मेट में पड़ा रहता है, क्योंकि इन लोग को ग्राउंड लेवल की एनालिसिस नहीं पता होती है। मैं इस बार ये नई मुहिम स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हम लोग का प्लान है कि बुक हम खुद असेंबल करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग रिवीजन उसमें जो रिवाइज पैटर्न होता है उसमें हम लोग उसमें इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि बुक्स बहुत सारे मार्केट में है। कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक हमें रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि हमें जब कॉल आता है तो कई बार बच्चे देखता हूं ये पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े। तो एक बार मैं आपको एक बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये बुक्स बीएचयू पाठशाला की होगी, ये खुद बीएचयू पाठशाला की टीम द्वारा असेंबल होगी। आप इस बार से ये बुक भी स्टार्ट हो रही है, ये नई चीज हमारे यहाँ जुड़ने जा रही है। बाकी हम आपको ऑनलाइन में क्या क्या देंगे अब इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिस भी कोर्स में आप इनरोल्ड होते हो उस कोर्स के पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि इस बार हमारी काफी सक्सेसफुल मुहिम रही। इस बार बीएचयू पाठशाला पीडीएफ पे वर्क कर रहा था लेकिन अभी चीजें बढ़ी हुई है। फिर हम लोग टेस्ट सीरीज आपको एक अल्टरनेट डेज पे टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। ये टेस्ट ओवरऑल भी हो सकता है, चैप्टर वाइज भी हो सकता है, किसी कॉमन सेक्शन के लिए भी हो सकता है। लाइव क्लासेस मस्ट हो जाता है क्योंकि जब हम आपसे इंटरेक्ट ही नहीं होंगे भाई, ये तो मैं क्या बोला कि मैं आपका साथ दूंगा। अगर आप मेरे पॉकेट में मनी डाल दिए और मैंने आपको चीजें प्रोवाइड करा दी और फिर हमारा एक तरह से जो तालमेल था वो खत्म हो गया, जो हम लोग का एक ज्वाइंट था वो ब्रेक हो गया, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे कनेक्ट होगे? उसके कनेक्ट होने का तो ऐसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे हम लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, जो नई फॉर्मेट चीजें बदलती रहेंगी वो सब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आपको एक प्राइवेट ग्रुप में रखा जाएगा जिससे कि हम लोग एक साथ कोई चीज आपको जस्ट अपडेट दे सके, इन्फॉर्म कर सके और आप भी वहां कुछ पूछ सको, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको ऑफलाइन में भी मिलेंगी लेकिन उसमें एक एडिशनल हो जाएगा, सभी कोर्स की लगभग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज होंगी, साथ साथ आपको इंडिविजुअल क्लासेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी।
और ऑफलाइन में सभी टीचर्स डिफरेंट होंगे, सभी बीएचयू के ही टीचर्स होंगे, नेट जेआरएफ से लेके एमए सीनियर स्टूडेंट्स तक इसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन का माध्यम अभी जो हमारा हम लोग का बना है उसमें आपको सिंपली अपना नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और अपना कोर्स लिखना है, और कोर्स के बाद अपना मीडियम लिखना है, आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि हमें जो ग्रुप बनाना है वो दोनों अलग लैंग्वेज का बनेगा। और गाइज आपको अपना डिटेल्स स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है, साथ में आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन में से क्या ज्वाइन करना चाहते हो ये भी मेंशन करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दूसरी चीज ये कि जो बीएचयू पाठशाला है बाईलैंग्वल काम करेगा, ठीक है, ये बाईलैंग्वल काम करेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों पे। तो इस तरीके से मैंने ये आपको एक फॉर्मेट बता दिया। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, कहीं भी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बीएचयू की प्रिपरेशन के लिए लोग खासा पैसा खर्च करते हैं। इस बार का जो रिजल्ट रहा है बीआर सोशल में 125 से ज्यादा आर्ट्स फैकल्टी में, लगभग 70 प्लस हैं सोशल फैकल्टी में जो कि बीएचयू पाठशाला से सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। टॉप 10 में भी लगभग मैं समझता हूं 8 से ज्यादा बच्चे बीएचयू पाठशाला करेंगे टॉप 10 में, और बीए एलएलबी में भी वही रिकॉर्ड रहा है, लगभग 20 प्लस बच्चे बीए एलएलबी में जा रहे हैं, वही 20 प्लस लगभग बीएससी मैथ एग्रीकल्चर और बायो में जा रहे हैं। और बीकॉम में हमारी थोड़ी संख्या इस बार कम रही है क्योंकि बीकॉम में बच्चे अभी हमारे यहाँ कम एनरोल थे, इसलिए बीकॉम में बच्चे कम जा रहे हैं। लेकिन ये अभी तक के जो सीबीटी मोड और ऑफलाइन के आंसर की आई है उससे मैंने अंदाजा लगाया कि हमारे बच्चे लगभग इतने सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये हम डिफाइन कर पाएंगे काउंसलिंग के बाद, क्योंकि किसी का एडमिशन अभी हम कन्फर्म किसी भी कोचिंग का कन्फर्म नहीं समझ सकते, क्योंकि काउंसलिंग एक अलग ही पैटर्न है, एक अलग ही लेवल है, उसमें जो इन्वॉल्व होगा वो सिलेक्टेड माना जाएगा। तो खैर ये मुद्दा तो इस बार का रहा। इस बार बीएचयू पाठशाला की जो फैमिली है मेरे दोस्त बहुत बड़ी हो चुकी है, आप इस फैमिली के मेंबर बन सकते हो और इस फैमिली में आप हमें सहयोग देना, हम आपको सहयोग देंगे, और ये जो एक रिलेशन है ये पूरे आपके नेक्स्ट 2021 के काउंसलिंग तक चलने वाला है। ऐसा भी नहीं कि हम बीच में आपको कहीं छोड़ के जाने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इस तरीके से इस बार पूरी प्लानिंग करके आए हैं कि कोई भी नहीं होगा टक्कर में। बीएचयू पाठशाला आप लोगों को जो सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा हम लोग, आप जितना लेना चाहोगे उतना हम आपको देने की कोशिश करेंगे, और कहीं भी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम बच्चों ने 3,000-4,000 रुपए दिया। मेरा इस पे खास मुद्दा रहेगा कि आपको कहीं भी 3,000-4,000 रुपए करके इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो लोग बड़ा ही आसान तरीके से एक प्लेलिस्ट तैयार करते हैं, एक बार में वीडियो शूट करते हैं, वो भी वीडियो शूट नहीं करते हैं, मैक्सिमम वीडियो जो पुराने होते हैं। आप इसकी शिकायत, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब बच्चा एक बार इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर बाद में मुझे कॉल करके बोलता है कि सर मैं वहां पे सेटिस्फाई नहीं हूं, सर आप प्लीज मुझे अपने यहाँ एनरोल कर लीजिए, मुझे आपका सानिध्य चाहिए। तो मैं इस बार पहले से थोड़ा सा आप लोग को एक वार्निंग देना चाह रहा हूं कि प्लीज ऐसी गलती आप लोग बार बार ना कीजिएगा। मुझे पर्सनल लेवल पे वो बड़ा इमोशनल लगता है और मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा फील ही नहीं होता है कि आप लोग को कोई चूना लगा दिया। तो प्लीज हम लोग एजुकेशन की इस मुहिम में भाग लेते हैं, और जो एक लंबी लंबी रकम खर्च की जाती है इस फील्ड में उसको थोड़ा कम करते हैं, और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है मेरे दोस्त वो हमारी स्टडी पे होगा और हमारा सिलेक्शन लेना मेन टारगेट होगा। तो इसमें जितनी भी बीच में बाधाएं आएंगी उसको हम दूर करेंगे, कुछ भी हो जाए हमें बस लेना क्या है, एक सीट लेनी है और उस सीट की हम लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग से बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को आप थोड़ा फैलाओ, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को बताओ, और उसके बाद आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बीएचयू पाठशाला को इतना हेल्प किया, बीएचयू पाठशाला 3 से 20, 20 से 40 हो जाएगा। इवन बीएचयू पाठशाला का एक न्यू चैनल भी हो चुका है, यू गुरुकुल, यू गुरुकुल पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यू गुरुकुल बीएचयू पाठशाला की एक न्यू मुहिम है और उस पे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बीएचयू पाठशाला को देते रहे और यू गुरुकुल को देते रहे, और बाकी एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए,
और लास्ट में यही बोलूंगा कि रुकना नहीं है, चलना है जिंदगी। दोस्तों 100% आप अच्छा करोगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। बाय बाय, टेक केयर।